तो नई दिल्ली में भाजपा का दो दिवसीय महाधिवेशन में पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार के पास उपलब्धियों का पहाड़ है और इन्हीं उपलब्धियों को लेकर लोकसभा चुनाव में जनता के पास पार्टी जाएगी और 400 सीटें पार लाएगी। भाजपा के महाधिवेशन मूल मंत्र ही लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना है, महिलाओं का किसी भी तरह से शोषण नहीं हो, इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाजपा के दो दिन के जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है उसमें हमारे साथ मौजूद है नरेश जी। सर बताइए कि इसमें क्या मूल मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी, चुनाव जीतने का मूल मंत्र 400 सीटें कैसे आएंगी इस पर विशेष रूप से लोगों को बताएंगे। हम सबका उद्देश्य ये है कि चुनाव में पार्लियामेंट के हम 400 सीटें जीतेंगे। 400 के पार जाने का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य लेके, मतलब क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? उपलब्धि हमारे पास है कि उपलब्धियों का पहाड़ है, कितना हम बड़ा दिखाएं पहाड़। और महिलाओं के लिए जो अभी तक किया गया है, बंगाल में जो आंदोलन हो रहा है आप देख ही रहे हैं, तो उसको केंद्र सरकार में, मजबूत केंद्र सरकार है तो क्यों नहीं उसको? वहाँ पर सरकार ममता जी की खुद ही महिला है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं अत्याचार न होने पाए। तो बहुत कुछ है इस बार लोकसभा चुनावों के लिए।